आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तराखंड में आज भारी भारी आप कह सकते हैं आपदा का दिन है, क्योंकि उत्तराखंड के चमोली में तपोवन के पास ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मची है। 150 से ज्यादा लोगों के बहने की खबर है, 3 शव बरामद किए गए हैं। और जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर में नदी का बहाव सामान्य है, यानी जो आशंका जाहिर की जा रही थी कि उत्तराखंड के इस भारी आपदा से, जो ग्लेशियर के नीचे आने से नदियों में बहाव बढ़ेगा और बाढ़ का खतरा होगा, वो कम से कम श्रीनगर में कई जगहों पर, अब उस पर अपडेट ये है कि वहां पर बहाव अभी सामान्य है। श्रीनगर में नदी के बहाव का सामान्य होना ऐसे साफ संकेत है कि अभी जिस बाढ़ की आशंका जाहिर की जा रही थी वो कम हो जाती है। इससे पहले कि हम पूरी तस्वीर आपको दिखाएं, समझाएं किन परिस्थितियों में ये आपदा और ये संकट इस वक्त उत्तराखंड पर है, आइए आपको सुना देते हैं क्या कहा है डीजीपी ने। जोशीमठ तपोवन आपदा के बारे में स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये दुर्घटना लगभग 11:45 बजे की है, जब एक अवलांच आया और उसने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को जो है पूरी तरह से तोड़ दिया, और वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो सब मिसिंग है ऑलमोस्ट। उसके आगे तपोवन में भी एक पावर प्रोजेक्ट था NTPC का, वो जो है उसको भी इम्पैक्ट किया है, वहाँ भी 150 के करीब कर्मचारी थे, किंतु वहाँ कुछ लोगों के टनल में होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हमारा उत्तराखंड पुलिस की SDRF टीमों का प्रयास जारी है उनको बचाने का। ये और बड़ी बात बताना चाहूँगा कि जो पानी और मलबा जो आगे आया नीचे डाउन स्ट्रीम में, हमने सबको अलर्ट कर दिया था, पूरे एरिया को खाली करा दिया था गंगा के किनारे, जिससे कि कोई और फर्दर उसमें डैमेज ना हो। वो पानी अब श्रीनगर में डैम है वहाँ पहुँच के वो पूरा स्टेबल हो गया, उससे आगे अब कोई खतरा, किसी तरह का खतरा किसी को नहीं बचा है। ये मैं हरिद्वार ऋषिकेश मुनि के रेती और ब्यासी देवप्रयाग के लोगों को ये बताना चाहूँगा, और हमारे रेस्क्यू और रिलीफ के ऑपरेशन जारी हैं। अशोक कुमार डीजीपी उत्तराखंड इस वक्त फोन लाइन पर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपने अभी अभी जानकारी दी है, बाढ़ की आशंका आप बता रहे हैं कम इस वक्त दिखाई दे रही है, सबसे पहले तो आप अपडेट दे दें। आपने दोनों ही पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया कि एक जगह 150 लोग मिसिंग है और दूसरे NTPC वाले में भी कई लोग इस वक्त खोए हुए हैं, क्या बताएंगे आप मौजूदा हालात के बारे में डीजीपी साहब? देखिए, मौजूदा तो ये है कि 100% कंट्रोल में, कोई बाढ़ का किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। जो कर्णप्रयाग से नीचे श्रीनगर में डैम है, हमारा एक पावर प्रोजेक्ट है वहाँ भी, वहाँ पे वो 100% कंट्रोल्ड वाटर जा रहा है वहाँ से नीचे, तो वो तो पोजिशन अब खत्म हो गई है। जो मॉर्निंग में जो एकदम आया था एवलांच, उसका जो दो पावर प्रोजेक्ट में लॉस हुआ है उसका अभी एग्जैक्ट आकलन नहीं हो पाया है। टोटल इन दोनों जगह मिलाकर के करीब 200 लोग काम कर रहे थे, तो उसमें से कुछ लोग तो जैसे अभी 16 लोग एक टनल में सुरक्षित हैं, उनसे कॉन्टैक्ट हो गया है, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, तो वो एग्जैक्ट आकलन शाम तक बताएंगे आपको। और आप ये भी बता रहे हैं कि जो बाढ़ की आशंका जाहिर की जा रही थी वो अभी फिलहाल एक तरह से अच्छी खबर है, वो नहीं होता हुआ दिख रहा है। नहीं, 100% में बोल रहा हूँ, क्योंकि वो श्रीनगर में एक हमारा डैम है, वहाँ पे वो आकर के वो बूंद के रेंज में आ गया, उनके पानी उस डैम की कैपेसिटी होती है ना, तो सारा पानी वहाँ आ जाए तो वहाँ से नीचे तब कंट्रोल्ड ही जाएगा, तो उससे ज्यादा होता तब प्रॉब्लम होती, अब वो खत्म, बाढ़ की आशंका जीरो पे आ गई। रेस्क्यू ऑपरेशंस, राहत कार्य किन किन इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है डीजीपी साहब? देखिए, वो सुबह सुबह जब हुआ था 10:30-11 के बीच, जल्दी किसी ने फेसबुक और व्हाट्सएप पे डाल दिया था, उसका फायदा अभी भी हुआ। हमने जोशीमठ से लेके नीचे पूरा पीपल कोटी, चमोली, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार सब जगह अलर्ट कर दिया, राफ्टिंग सब जगह बंद कर दी थी, पूरा गंगा बेसिन खाली करा दिया था, तो वहाँ कोई डैमेज नहीं हुआ। जो शुरू में जो हुआ दो जगह जो मैंने कहा दोनों पावर प्रोजेक्ट के पास, वहाँ पे हमारे टीमें पहुंच गई थी, जोशीमठ की पुलिस टीम और हमारे उत्तराखंड पुलिस की SDRF टीमें, बाद में ITBP भी आ गई, अब NDRF भी पहुंच रही है, तो वो वहाँ पे बचाव और राहत कार्य जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशोक कुमार जी पूरी जानकारी देने के लिए। बचाव और राहत का कार्य जारी है। इस बीच बड़ी बात वो बताते हुए कि पानी को कंट्रोल किया जा रहा है कि कितना आगे बहेगा, तो कम से कम जो बाढ़ की आशंका जाहिर की जा रही थी उस पर उनका दावा है कि 100% नियंत्रण है इस वक्त। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में किसी को भी परेशान कर देने वाली, लेकिन आपको ये भी बता दें कि निचले इलाकों में भी अब वैसा खतरा नहीं है जैसा DGP जानकारी दे रहे थे। और अब एक खास मेहमान हमारे साथ आज तक पर इस वक्त जुड़ रहे हैं, अनिल बलूनी साहब, जो कि सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, नेशनल हेड है मीडिया डिपार्टमेंट के,
और चीफ नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं। और बलूनी साहब, आप इसी राज्य से आते हैं, सबसे पहले तो आपके जरिए ये समझना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में ये आपदा, ये संकट इस वक्त उत्तराखंड पर आया है और मौजूदा हालात के बारे में आप क्या बताएंगे बलूनी जी? देखिए अंजना जी, आप लोगों ने केदारनाथ का हादसा जब हुआ, लगता है कि जैसे वही दृश्य फिर से आंखों के सामने आ गया। और इस बार ये पहले केदार घाटी में होता है, इस बार बद्रीनाथ की घाटी में हुआ है। और बताया जा रहा है कि एक एवलांस था, एक ग्लेशियर टूटा और उसके बाद ओवर फ्लड हुआ और फिर उसके बाद वहाँ जो डैम पे काम चल रहा था वहाँ वो तबाही मचाता हुआ नीचे आया। आप देखें कि जब अगर आप जोशीमठ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो बड़ी संकरी घाटी आती है और उसमें जब पानी आया तो वो बहुत तीव्र वेग के साथ आया और उसने जो डैम पे काम चल रहा था वो सारा उड़ाता हुआ चला गया। लेकिन जिस तरह से अभी उत्तराखंड के DGP आपके यहाँ कह रहे थे, जिस तरीके से पानी नीचे आ रहा है और घाटी जो है वह चौड़ी होती जा रही है और पानी थोड़ा समतल होता जा रहा है, तो एक सुखद समाचार इस तरीके से अभी तक लग रहा है कि आगे जो इसकी तीव्रता थी, जो वेग था, वह भी कम हो रहा है और जो इसकी जो प्रलयंकारी जिस तरीके से लग रहा था अब उसमें थोड़ा लगता है कि ये कंट्रोल है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इससे कम कम मानव जीवन की हम ही हानि हो। आगे जो नीचे घाट हैं उन सबको खाली करा दिया गया है, जो निचले स्तर पर लोग रहते हैं उनको ऊपर जाने के लिए कहा गया है। लगातार राज्य प्रशासन और जितने हमारे जिले पड़ते हैं उन सबका प्रशासन लग के कार्य कर रहा है। भारत सरकार ने बहुत तीव्रता के साथ इसके साथ कार्य किया है। स्वयं मेरी केंद्रीय गृह मंत्री जी से इस विषय पर लंबी बातचीत भी हुई है, उन्होंने तुरंत NDRF भारतीय वायुसेना को भी तैयार रहने के लिए कहा, ITBP के जवान वहाँ लगातार हमारे काम कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी आप जानते हैं आसाम में है और आसाम में उन्होंने पूरा समीक्षा की है इस पूरे उसकी और मुख्यमंत्री जी से भी बात की है। तमाम भारत सरकार के और राज्य सरकार के अधिकारियों के भी संपर्क में। हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि मानव जीवन की हानि कम से कम हो और आगे जिस तरह से लग रहा है कि पानी का वेग कम हो रहा है तो ये कम हानिकारक होगा, कम प्रलयंकारी होगा, यही हमारी परमात्मा से इस वक्त प्रार्थना है। बलूनी साहब, ये घटना सुनते ही हर किसी के मन में पिछली बार जो कुछ केदारनाथ में हुआ था वो यादें आई और हर कोई सिहर उठा और यही अनुभव आपका भी रहा होगा, आप भी इसी राज्य से हैं, हर कोई ये सोचकर डर गया था, कांप गया था कि वैसी तबाही ना फिर से देखनी पड़े। नहीं देखिए अंजना जी, अभी जिस तरह के समाचार आ रहे हैं हम लगातार जैसे जैसे पानी चल रहा है नीचे की ओर, हम लगातार अपने जो हमारे कस्बे पड़ते हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सब रेस्क्यू कार्य में लग गए हैं, उन सब से हमारी बातचीत हो रही है। कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग में जिस तरह के समाचार आ रहे हैं कि पानी काफी अब संभला हुआ है और जो पानी का वेग है वह कम हुआ है, तो ऐसा अब लगता है कि ये सब चीजें भगवान ने चाहा तो सुगंध रहेगी और लास्ट में जो कम से कम हानि होगी, जो ऊपर ऋषि गंगा में जो तबाही हुई है वह जरूर है, उसका आकलन भी किया जा रहा है। हमारे SDRF NDRF के लोग वहाँ सब कार्य कर रहे हैं, ITBP के लोग काम कर रहे हैं, जल्दी उसका भी आकलन करेंगे कितना नुकसान हुआ है, लेकिन आगे नीचे की ओर कम से कम तबाही हो यही प्रार्थना प्रभु से। दोनों पार प्रोजेक्ट के बारे में बलूनी साहब आपसे जानना चाहेंगे, ऋषि गंगा पार प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा तबाही वहीं पर मची है, क्या कुछ हुआ था और NTPC वर्कर्स काम भी कर रहे थे, कुल कितने लोग इस वक्त मिसिंग है? बताया जा रहा है एक सुरंग में 15 से 16 लोगों को निकाला भी जा रहा है, बचाया जा रहा है इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, अभी ये सब वहाँ बचाव कार्य चल रहा है और निश्चित तौर पे दोनों पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, तो मजदूर और वहाँ पर जो काम करने वाले लोग वो प्रोजेक्ट पे थे, तो कुछ लोग वहाँ जरूर इसमें फंसे हैं। और मेरा यह मानना है कि ऐसी परिस्थिति में हम लोग आकलन ना करें, एक बार वहाँ पर हमारी जो एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं वह पता कर ले कितनी मानव हानि हुई है। कुछ लोग वहाँ फंसे, ये जानकारी हमारे पास भी है, कार्यकर्ता के माध्यम से भी जो वहाँ ग्रामीण है उनके माध्यम से भी आई है, लेकिन नंबर्स में हम लोग अभी कोई आकलन ना करें। मुझे लगता है कि प्रभु करे तो कम से कम हानि हो और लोगों की जान बच सके, यही हमारी प्रार्थना है। ऐसे वक्त पर सबसे बड़ा इम्तिहान सरकारों और प्रशासन का होता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन, चारों स्तर पर किस तरह की सक्रियता इस वक्त हो रही है, इस बारे में क्या जानकारी आप दे सकते हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम में थे और कार्यक्रम के दौरान ही उनको सूचना दी गई है इसकी, उन्होंने तुरंत वहीं से सब लोगों को कोऑर्डिनेट किया, सबसे बातचीत की, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की, गृह मंत्रालय के लोगों से भी बात की,
गृह मंत्री जी स्वयं अभी दौरे पर हैं, वह भी जैसे ही लैंड किए उनको भी सूचना हुई और उन्होंने सारी एजेंसीज को एक्टिवेट किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी को यहाँ कंट्रोल रूम में, वो अपने जो आपदा का कंट्रोल रूम है उसमें वो चले गए थे और पूरी ताकत के साथ जितना अच्छा कार्य इस दौरान हो सकता है, मानव जीवन को बचाने के लिए जितना ज़्यादा काम हो सकता है सारी एजेंसीज मिलकर कर रही हैं। और आप अगर देखेंगे कि जोशीमठ से नीचे पूरी जो गंगा की, अलकनंदा की जो घाटी है, हरिद्वार तक बल्कि पूरे प्रशासन को चौकन्ना किया गया, आसपास कोई गंगा के घाट, क्योंकि पूरे में घाट है, उन घाटों पे लोग ना जाएं, जो नीचे लोग रहते हैं उनको किसी तरह से ऊपर कर लिया जाए, तो पूरी तैयारी की गई है कि कहीं भी नुकसान ना हो। लेकिन जिस तरह के अब समाचार आ रहे हैं उसमें समाचार यही है कि पानी का वेग कम हुआ, पानी का लेवल भी कम हुआ है, क्योंकि घाटी नीचे आते आते चौड़ी हो रही है, तो पानी का लेवल जो पहले था उससे कम हुआ है। तो क्या क्या धौली गंगा नदी में भी पानी का स्तर अब नियंत्रण में है, क्योंकि सबसे ज्यादा एवलांच की वजह से वहीं पर पहले बहाव तेज हुआ था? देखिए अंजना जी, क्या होता है कि जब कोई इस तरह की घटना होती है, जब कोई एवलांच आता है, जब कोई ग्लेशियर टूटता है, तो क्या होता है कि वो एक कोई बहुत लंबे उसके लिए नहीं होता। जब केदारनाथ का हादसा जब हुआ था, अगर आपको पता हो, तो उस वक्त क्लाउड बस्ट हुआ और लगातार बारिश होती रही उसके बाद भी, तो लंबे समय तक बना था। यहाँ पर इसका स्पैन छोटा होगा क्योंकि लगातार बारिश नहीं हो रही है, लगातार वो नहीं हो रहा है, तो जितना उस वक्त घटना हुई उसी वक्त का होगा, उसके बाद उसका जो स्पैन है वो बहुत लंबा नहीं होगा। तो अभी क्योंकि मौसम साफ है और इस तरह की घटना नहीं हो रही, तो मुझको लगता है कि रेस्क्यू में भी आसानी होगी और ये बहुत लंबा नहीं होगा। तो यही हम लोगों की प्रार्थना है कि ये समय निकल जाए और कुछ समय के अंदर जब ये पानी शांत हो जाएगा तो ये घटना भी धीरे धीरे इसका असर कम होगा। उस इलाके में जहाँ ऋषि गंगा है वहां पर एक बार एवलांच के बाद स्थिति सामान्य हुई है, ऐसा गांव के लोगों से हम लोगों की जो बात हुई कि वो जो तबाही करता हुआ गया वो जरूर गया, लेकिन उसके बाद स्थिति वहां नॉर्मल हुई है। अब नुकसान का आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ। जी, जो दो पावर प्रोजेक्ट्स है, ऋषि गंगा एनटीपीसी, दोनों के बारे में तो आपने जानकारी दी, क्या कुछ रिहायशी इलाके भी थे? क्योंकि अक्सर पहाड़ों पर घर होते हैं और काफी ऊंचाई पर नदी के किनारे घर होते हैं, क्या ऐसे कुछ रिहायशी इलाकों में भी तबाही की आशंका या कोई जानकारी? बलूनी जी, देखिए एक तो वहां पर आप देखिए कि जो नदी से थोड़ा ऊंचाई पे घर होते हैं, तो इसके कारण जो बहुत नीचे कुछ हुआ होगा तो उसमें नुकसान की आशंका रहती है, लेकिन आमतौर पर थोड़ा नदी से ऊपर उठ के ही लोग घर बनाते हैं, रिहायशी गाँव होते हैं। तो लेकिन देखिए अंजना जी, लार्जर एक सवाल ये भी है कि आगे हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए, केदारनाथ हादसे के बाद अब ये जो एवलांच आया, ये जो पूरा बाढ़ आई है, इसके बाद एक जरूर हम लोगों को सबको विश्लेषण करना चाहिए कि पहाड़ों पे और जो ऐसे आपदा संभावित जो क्षेत्र हैं उस पे किस प्रकार से निर्माण किए जाएं नदी के किनारे, क्योंकि आप देखिएगा कि नदी के किनारे सारे कस्बे बने हैं, उस पे भी आगे आने वाले समय पे सोचना होगा कि किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन होना है, किस प्रकार से वहाँ बसाहट होनी है नदी के आसपास। इस पे एक लार्जर बाद में हम लोग जब ये आपदा निकलेगी तो जरूर इस पे विचार करके इस पे कोई नीति हम लोगों को तैयार करनी चाहिए। जी बिल्कुल, जो तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, प्रशासन के पास क्या डायरेक्टिव्स है इस वक्त? क्योंकि जहां जहां पर देखिए आपदा है या जहां पर लोग फंसे हुए उनको निकाल रहे हैं, डायरेक्टिव्स क्या है? कौन से इलाके से लोगों को अभी भी अपने घर खाली करके सुरक्षित जगहों पर भेजने की बात कही गई है? बलूनी साहब, देखिए अंजना जी, अभी जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है कि आगे मानव जीवन की हानि कम से कम, जिन इलाकों में पानी आने वाला है वहां कैसे सावधानी बरती जाए। मैंने कहा ना आपको, अलकनंदा में जगह जगह पर घाट बने, अगर आप देवप्रयाग में देखेंगे, अगर आप श्रीनगर के आसपास देखेंगे कि नदी का किनारा है और कई जगहों पर घाट है, वहां पर लोग ना जाएं, जो लोग नीचे की तरफ रहते हैं वो ऊपर रहें। और पहले जैसी तरह की आशंका की जा रही थी कि बहुत ज्यादा पानी हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ आएगा, हरिद्वार और ऋषिकेश में ज्यादा बसाहट इसके आसपास है, ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वो हम लोगों के लिए खतरा था। लेकिन प्रशासन ने बेहतरीन तरीके से हरिद्वार ऋषिकेश और इस पूरे इलाके को एकदम जागृत कर दिया था और उनको वो उनको तैयारी पे रखा था कि इधर पानी आएगा तो आप सब तैयार रहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से कम हो इसके लिए तैयारी की गई थी और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया था इसके लिए पूरे ठीक से। मुझे लगता है कि अब पानी ऊपर से कम आए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हरिद्वार ऋषिकेश इस पूरी बेल्ट को पूरी तरह से तैयार रखा गया है, जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है उसको तैयार रखा गया है कि अगर पानी आएगा तो किस प्रकार से तैयारी करते हैं।
जी बने रहिए आप हमारे साथ। विंग कमांडर रिटायर्ड अनिल गोयल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोयल साहब, पूरी आपदा के बारे में और जो परिस्थितियां इस वक्त बनी है उस बारे में आप क्या जानकारी देंगे? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि प्रशासन ने इस बार बहुत मुस्तैदी से काम किया है जी। सभी जगह उन्होंने सही वक्त पर लोगों को चेताया है जिससे कि जान और माल की हानि कम से कम हो। मैं चाहता हूँ कि यही जो तरीका है ये बना रहे, साथ ही साथ कुछ स्पेशलिस्ट हैं जो एनटीपीसी के हैं और जो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं उनसे भी पूछा जाए कि कैसे इस आपदा को कम से कम हम इसका जो हानि हो सकती है उसको हम कम से कम कैसे कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो हमें नौसेना, थल सेना और वायुसेना की मदद लेनी चाहिए जिससे कि जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके और जान और माल की हानि को बचाया जा सके। अभी कौन कौन से विभाग की टीमें लगाई गई हैं? एनडीआरएफ की टीमें बलूनी साहब लगाई गई हैं और एसडीआरएफ, और किस तरह की जानकारी देंगे? किस किस को रोपिन किया गया अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस में? देखिए, आईटीबीपी की वहाँ मौजूदगी पहले से ही है, तो आईटीबीपी का बहुत अहम रोल हो जाता है वहाँ पर। आईटीबीपी की अच्छी खासी मौजूदगी है और अगर आप अपने चैनल्स पे भी देखेंगे तो आईटीबीपी के जवान लगातार काम करते हुए दिख रहे हैं। हमारे यहाँ राज्य में केदारनाथ की आपदा के बाद से एसडीआरएफ को बहुत मजबूत किया गया है। हर जिले में एसडीआरएफ की मौजूदगी है और इस इलाके में खासतौर से एसडीआरएफ की मौजूदगी है, तो एसडीआरएफ के जवान लगे। जिला प्रशासन का एक एक आदमी, जिला पुलिस का एक एक आदमी, सबको एरिया बता दिया गया कि तुमको इस इलाके में लोगों को बताना है, जागृत करके रखना है कि भाई आप नदी के किनारे मत जाइए। तो प्रत्येक पूरा इन जो चमोली जिला, रुद्रप्रयाग जिला, पौड़ी जिला, ये जो और टिहरी डिस्ट्रिक्ट जो इसमें लगता है, इनके तमाम लोग नदी के किनारे जहाँ जो जो जगह ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपदा आ सकती है वहाँ तैयार रखा गया है। तो इसलिए एसडीआरएफ और जिला प्रशासन पूरे तरह से चौकन्ना है और भारत सरकार की मदद सब जगह से ली जा रही है। अंजना जी, एक मोबाइल की क्रांति के बाद एक और बहुत बड़ा लाभ हुआ है कि जिस प्रकार से सब हुआ और शुरू से ही ये एकदम सोशल मीडिया में इसके वीडियो और फुटेज आने लग गए और चर्चा होने लग गई, उस कारण भी जन जागरण बहुत तेजी के साथ हुआ है, उसका लाभ भी आज हमको बहुत मिला है। और आज लगता है कि आमतौर पर सोशल मीडिया का तो नकारात्मक यूज होता है लेकिन आज बहुत सकारात्मक उपयोग हो रहा है और लोगों की जान बच रही है इसके कारण। तो ये भी एक बहुत हमको आज लगा है कि सोशल मीडिया का इसमें हमको लोगों को जन जागरण में लाभ हुआ। जी बलोनी जी, इस वक्त एक खबर आ रही है, दर्शकों को अपने बता दें जरा। देखिए, सोशल मीडिया का रोल इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि कई वीडियोस, कई लोगों ने वहां पर जानकारी डालनी शुरू की और लोग खुद ही बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त जो खबर आ रही है, गाजियाबाद से एनडीआरएफ की दो टीमें मौके के लिए रवाना कर दी गई हैं। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी जानकारी के साथ आ रहे हैं, हिंडन एयरबेस से ये दो टीमें रवाना हो गई हैं। अरविंद जी, बिल्कुल, दो टीमें रवाना हो गई हैं और एक टीम में 55 से ज्यादा लोग हैं जिनके साथ स्नीफर डॉग और तमाम वो संसाधन है जिससे रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे पहले एनडीआरएफ की टीम ने दोपहर 12:15 से देहरादून से मौके पर रवाना हो गई थी। दो जो टीम है अभी भारतीय वायुसेना के विमान से एयरलिफ्ट हुई है जबकि एक टीम और ऑलरेडी तैयार है, एयरलिफ्ट होने वाली है। उसके साथ ही साथ जो एसडीआरएफ की टीम है, उत्तराखंड की डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम, वो भी ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगी है। लेकिन एक के बाद एक एनडीआरएफ की टीम वो मौके पर रवाना हो रही है। देहरादून से पहले टीम रवाना हुई 12:15 पर और अभी अभी दो टीमें रवाना हुई है जिनके पास तमाम संसाधन है, वो रेस्क्यू करेंगी, आज देर रात तक पहुंच जाएंगी और एक टीम और एयरलिफ्ट होने वाली है। अंजना, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक के बाद एक कई टीमें रवाना हो रही हैं हिंडन एयरबेस से, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे। और ये तस्वीरें देखिए आप, जो हम आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस इस वक्त फुल गियर में है और कोशिश यही है कि अगर कोई भी कहीं पर भी फंसा हुआ हो तो उसे हर मुमकिन मदद सहायता पहुंचाई जाए। देखिए, हिमस्खलन यानी एवलांच, एक ऐसी घटना चमोली में ये हुई है और वहां पर ग्लेशियर के फटने से जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई हैं आप समझ रहे होंगे। ये पूरा इलाका जिसमें ये तीन तस्वीरें पूरी कहानी बताएंगे। सबसे पहले आप हिमस्खलन की खुद की तस्वीरें देख रहे हैं, 150 लोगों के बहने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा और आईटीबीपी की टीमें
जो कि आईटीबीपी पहले से वहां तैनात रहती है, उसकी टीमें वहां पर पहुंच चुकी है और वो रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं। इस एवलांच के जरिए कई जगहों पर सड़कें जाम हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं और कई रिहायशी इलाकों तक उसका गिरना मलबे का, उन सबको हटाना, अगर कोई कहीं पर फंसा हुआ है तो माइक्रो लेवल पर ये टीमें अलग अलग जगहों पर मौजूद रहकर रेस्क्यू ऑपरेशंस करेंगी। ये पूरा इलाका बलूनी साहब, देखिए अगर हम पूरी जानकारी इसकी अपने दर्शकों को दें तो एक डिजास्टर मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत ही सिनर्जी के साथ काम करने वाली चीज होती है। अलग अलग इलाके होते हैं और पहाड़ों पर खास तौर पर जब इस तरह की परिस्थिति बनती है तो बहुत बड़ी चुनौती होती है। बलूनी जी, देखिए अंजना जी देखिए, जैसे आप खासतौर से जो समुन्द्र का किनारा होता है वहां पर अक्सर तूफान आते हैं, लेकिन जो पहाड़ की में जब आपदा आती है तो उसमें वहां पर पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आपको ध्यान होगा जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो केदारनाथ में जाना और वहां रिलीफ ऑपरेशन करना बहुत ही मुश्किल काम था। इसी प्रकार से आज तो कम से कम मौसम साफ है, इस कारण वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना थोड़ा आसान है। आप देखिए कि जोशीमठ से आगे जाना और अगर चौपर नहीं जा सकता हो तो बाय रोड जाना कितना मुश्किल है, यह कल्पना नहीं की जा सकती है। तो पहाड़ में ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन करना वाकई बहुत ही दुष्कर कार्य है और ऐसे में वहां पर हमारा जो पूरा प्रशासन है वो जिस प्रकार से कार्य कर रहा है वो बहुत है बेहतरीन तरीके से कर रहा है। अब वहां पर जहां पर डैम्स में नुकसान हुआ वहां सारी टीम्स पहुंच गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है, कितने मानव जीवन की हानि हुई है वो पता किया जा रहा है, बाकी जो आर्थिक नुकसान होगा वो तो सब बाद में देखेंगे लेकिन कितने लोगों का जीवन गया है यह उसमें देखा जा रहा है। तो इस इलाके में वाकई रेस्क्यू ऑपरेशन करना एक बहुत ही मुश्किल काम है और आने वाले समय में हालांकि बहुत ज्यादा बेहतर हम लोगों ने किया लेकिन इसको और आगे भी मजबूत करेंगे कि इतने दुर्गम क्षेत्रों में किस प्रकार से रेस्क्यू किया जाए, इसको और बढ़ाने की जरूरत है और बढ़ाया जाए। बिल्कुल, वीके शर्मा साहब हमारे साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। शर्मा जी देखिए, तीन चार बड़ी बातें जो मैं चाहती हूँ अपने दर्शकों को भी हम बता दें। दो बड़े पावर प्लांट, श्री गंगा पावर प्रोजेक्ट और साथ ही एनटीपीसी, जहां पर भारी तबाही हुई। कई ऐसे गांव इन पहाड़ों के इलाकों में हो सकते हैं जहां पर ये कहर टूटा होगा, लेकिन इन सबके बीच जब हम शर्मा जी बातें करते हैं तो पिछली बार जब केदारनाथ में ऐसी तबाही हुई थी तो भारी बारिश लगातार हो रही थी और उससे बहुत ही जो विपदा का स्तर है और जो आकार है वो बहुत विशाल हो गया था। लेकिन इस बार अभी तक जो जानकारी आ रही है, डीजीपी कह रहे हैं कि जो जल स्तर भी है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा, बाढ़ की आशंका वो कह रहे हैं बहुत कम हो गई है। वो कह रहे थे श्रीनगर जैसी जगहों पर तो मैं खुद 100% अब नहीं होगा ऐसा कह सकता हूं। ओवरऑल अगर इस आपदा को हम देखें किस तरह से मैनेजमेंट इसका होना चाहिए और इसी के साथ जो तस्वीरें अभी तक आ रही हैं आपको क्या समझ में आ रहा है शर्मा जी? अंजना जी, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है और मैं कहूँगा कि पूरा हिमालय जो है वो संवेदनशील है अर्थक्वेक के लिए, लैंडस्लाइड के लिए, अवलांचेस के लिए और ग्लोफ के लिए, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो। तो हमारे हिमालय में 3000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं और जब भी कभी इस तरह का अवलांच होता है और किसी ग्लेशियर लेक को वो हिट करता है तो बहुत भारी पूरा जो पानी है उसका वो सब नदियों में, और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको प्रभावित करता है, गांवों को जो वहाँ पे छोटे छोटे गांव होते हैं उनको प्रभावित करता है। और इसी प्रकार से इस बार भी हुआ है कि ये जो अवलांच है वो इतना बड़ा था कि इसने पूरे जो ग्लेशियर था। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ सर, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अपने दर्शकों को बता दे, उत्तराखंड आपदा को लेकर अभी की बड़ी खबर यह है कि टनल से लोगों को निकालने का काम जारी है। आपको बता दे जो लोग सुरंग में फंसे हुए थे उनको निकाला जा रहा है, टनल को साफ कराया जा रहा है, 10 से 15 लोगों के फंसे होने की आशंका है और इस वक्त आईटीबीपी की टीमें वहां पर लगी हुई हैं जो लगातार उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो परिस्थितियां बन गई हैं इन पाप प्रोजेक्ट्स के आसपास और वहीं पर जबरदस्त मलबा और तेज बहाव की वजह से, ये देखिए हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं, देवप्रयाग और निचले इलाकों में हालांकि खतरा नहीं है लेकिन ये जो टनल है, ये जो इलाका है, आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर कोशिश ये हो रही है कि जो मलबा है उसको हटाया जाए और 10 से 15 लोग, एक व्यक्ति आपको साइड में दिख रहे होंगे इसमें, यहां पर आपको दिख रहे होंगे उस टनल की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और टनल में कैसे राहत और बचाव का काम, जो लोग फंसे हुए हैं
उनको निकालने की ये बड़ी कोशिश, बहुत विषम परिस्थिति है, संकट बड़ा है। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, 10 से 12 लोग फंसे हुए सुरंग में, उनको निकालने की कोशिशें लगातार हो रही हैं, क्या अपडेट है मंजीत? अंजना, जिस तरह से तस्वीरों में दिख रहा है, बहुत ज्यादा मलबा, काफी बड़ी संख्या में, काफी भारी मात्रा में जो मलबा दिख रहा है टनल के अंदर भरा हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि पहला जब ग्लेशियर टूटने के बाद जो पहला इंपैक्ट हुआ था वो इसी एरिया को, जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है और जो टनल है उसको हुआ था, इसकी वजह से भारी मात्रा में पूरा मलबा भरा हुआ है। इसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। पिछले 5 से 6 घंटे से जो शुरुआती टीम वहां पर पहुंची थी आईटीबीपी और एसडीआरएफ की, वो लोग जूझ रहे हैं और अभी भी उम्मीद की जा रही है कि उसके अंदर जो 12 से 15 लोग हैं जो रोस्टर के मुताबिक वहां पर टनल में अंदर की तरफ काम कर रहे थे, उनको निकालने की कोशिशें चल रही हैं। हालांकि जो अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक जो मलबा है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। अंदर अंधेरा है, सारा सिस्टम वहां का डाउन हो चुका है, उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। अभी क्योंकि दिल्ली से एनडीआरएफ की और टीम आधुनिक उपकरण के साथ पहुंची है, उम्मीद की जा रही है कि उजाले अंधेरा होने से पहले वो वहां पर पहुंचेगी और कुछ आधुनिक मशीनों की मदद से कोशिश की जाएगी कि जो टनल के अंदर लोग फंसे हैं उनको बचाया जा सके। जी, क्या मलबा बहुत ज्यादा उन जगहों पर इकट्ठा हो गया है, क्योंकि क्रेन की भी तस्वीरें हम बाहर से देख रहे हैं, क्या क्रेन के जरिए हटाया जा रहा है? कोशिशें सभी तरह से की जा रही हैं, क्योंकि शुरुआत में आईटीबीपी, एसडीआरएफ और कुछ एनडीआरएफ की टीमें, सेना की ये टुकड़ियां भी पहुंची हैं। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये सेना की तरफ से दी गई हैं। सेना जोशीमठ, उसके आसपास जो सेना के लोग हैं वो पहुंचे हैं और कोशिश की जा रही है कि मलबा हटाकर अंदर, क्योंकि ये नीचे जमीन के अंदर टनल है और अंदर वहां पर काफी शुरुआती जब वहां पर बारिश फटने की वजह से, जो ग्लेशियर टूटने की वजह से मलबा है वो पूरी तरह से टनल को ढक दिया है। और जैसी की जानकारी थी कि आज की रोस्टर के मुताबिक कम से कम 120 लोग आज वहां पर ड्यूटी पर थे, जिसमें से ज्यादातर लोग पहले ही बहाव में सीधे वहां से बह गए हैं। कुल अब तक 150 के आसपास लोग जो एनटीपीसी के इस विष्णु घाट प्रोजेक्ट से जुड़े रहते वो, और उसके आसपास दो खासतौर से अंजना गांव, जो कि पहला रेनी गांव और उसके अलावा लाटा, जो दो गांव के आसपास के लोग थे वो सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। लेकिन अभी बाकी लोग जो पहले ही बह चुके हैं उनको छोड़ने, उनके अलावा अब जो लोग कम से कम यहाँ पर 15 से 20 लोगों की बात की जा रही, कर्मचारी हैं सारे, उनको बचाने की कोशिशें इस वक्त चल रही हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए, एक बार जरा अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि अभी विषम परिस्थिति मंजीत उन लोगों के लिए बनी हुई होगी जो इस टनल में फंसे हुए हैं। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव जो आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी ने ये तस्वीर जो सेना के लोग वहां पर मौजूद है उन्होंने दिखाई है, और वही तस्वीर के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें राहतकार भी, एक व्यक्ति साइड से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ आप देखेंगे क्रेन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज का दिन इतना बड़ा आपदा और संकट का दिन मंजीत उन लोगों के लिए जो इन दोनों पावर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे। ये जो तस्वीरें हैं, ये जो टनल है, क्या इसके बारे में और कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है? कितना लंबा है, क्या रेगुलरली वहां पर काम करते थे, उस वक्त भी काम कर रहे थे, और कैसे अब उनको रेस्क्यू करने के लिए जो अलग अलग टीमें काम कर रही हैं, क्या कुछ कर रही हैं, कुछ जानकारी और मंजीत? देखिए, काफी बड़ा प्रोजेक्ट था अंजना, ये एनटीपीसी का, 2003-04 से इस पर काम चल रहा था। 500 मेगावाट से ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। और जब आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास धौली गंगा से जब ये ग्लेशियर टूटने के बाद पहला जो बहाव आया, उसने रेणी गांव के आसपास और यहाँ पर तपोवन में जो सबसे ज्यादा प्रभाव डाला वो इसी प्रोजेक्ट पर डाला। और हालांकि आप देखें कि जिस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है इस तरह के हाइड्रो प्रोजेक्ट में, पहाड़ के इलाकों में काफी मजबूत होता है, आरसीसी और तमाम आधुनिक तकनीक का उसमें इस्तेमाल होता है। और जो अगर टनल की बात करें तो अभी क्योंकि पर्यावरण के हिसाब से अंडरग्राउंड पहाड़ों के अंदर टनल बनाई गई है, जिसके अंदर बिजली का उत्पादन होता है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, इस तरह का ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है। और इसीलिए जो सबसे ज्यादा प्रभाव रहा जब ग्लेशियर टूटने के बाद, वो इसी तपोवन प्रोजेक्ट पर, इस टनल पर और इसके आसपास जितना भी बिजली बनाने को लेकर जो कंस्ट्रक्शन था एनटीपीसी का, उस पर हुआ। और काफी बड़ी संख्या, इस बात से अंदाजा लगाइए कि अगर वहां पर 120 लोग रोस्टर के हिसाब से काम कर रहे थे तो बहुत बड़ा वो प्रोजेक्ट है, और वहां पर बिजली का उत्पादन जब्त हो रहा है और उसकी वजह से। और अभी क्योंकि जो टनल के अंदर जो मशीनें लगी हैं जहां बिजली बन रही है, वहां पर भी लोग काम कर रहे थे, और पर्यावरण के हिसाब से, आपदा के हिसाब से काफी तैयारियां होती हैं कि बड़े से बड़ा अगर भूकंप आए या इस तरह की आपदा कोई आती, ग्लेशियर टूटता है, उसके लिए तैयारियां होती हैं।
उसके बावजूद पूरा प्रोजेक्ट को वहां पर ये बहाकर ले गया है, तो इससे समझा जा सकता है कि कितना बड़ा ये कितना बड़ा बहाव, तेज बहाव था, कितना बड़ा ग्लेशियर ये टूट कर आया। आपको याद होगा 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी, कितने ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे, पूरी केदार घाटी एक तरह से वॉश आउट हो गई थी। तो कुछ उस तरह का ही नजारा हम कह सकते हैं कि आज सुबह यहाँ पर था, जब ग्लेशियर टूटने के बाद पूरा जो उसका प्रभाव था वो इस तपोवन प्रोजेक्ट पर पड़ा। धन्यवाद आपका मंजीत नेगी, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप उस टनल की देख रहे हैं, इसी सुरंग में बताया जा रहा है कई लोग फंसे हुए हैं, 12 से 15 उनको निकालने की कोशिशें हो रही हैं, तमाम टीमें जुटी हुई हैं। शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए, और वो भारी मुश्किलें आती हैं अगर पहाड़ पर इस तरह की आपदा हो तो, हर जगह पर पहुंचने की चुनौती, मलबा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाने की वजह से, और एक बार पूरा डिजास्टर आपके जरिए समझेंगे क्योंकि ये ग्लेशियर, क्या ये ग्लेशियर अचानक टूटा, किन वजहों से, ये महीना फरवरी के शुरुआत का शुरुआती महीना है, क्या परिस्थितियां आपको दिखती हैं जिसकी वजह से ये हमने देखा है एवलांच, जिसे हम हिमस्खलन कहते हैं? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और अभी जो मुझे लगता है, चूंकि अभी तो इतनी बर्फबारी भी नहीं हो रही है कि एवलांच को हम लोग अपेक्षा करते, लेकिन अगर कोई छोटी सी भी लैंडस्लाइड है तो वो भी जो है पूरे ग्लेशियर लेक को जो है अफेक्ट कर सकती है। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि पूरे हिमालय में 3000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, बड़े और छोटे, और उन सभी में अभी जलवायु परिवर्तन की वजह से जितने भी ग्लेशियर लेक्स हैं उनका जो आयतन है वो बढ़ता जा रहा है, उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है, और इसलिए जो भी लैंडस्लाइड होती है या अवलांच होता है वो उससे नुकसान होता है। लेकिन ये जो अवलांच हुआ है, शर्मा जी मैं आपको फिर से टोक रही हूँ क्योंकि जैसे जैसे खबर इस वक्त आ रही है अपने दर्शकों को पहले हम बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम से मैं संपर्क में हूँ ऐसा कहा है। याद रखिए वो असम के दौरे पर हैं, और वहीं पर प्रधानमंत्री ने आज संबोधन में कहा है कि उत्तराखंड का हौसला आपदा को मात देगा, लोगों की परेशानी कम करने के लिए राहत के काम हो रहे हैं, और मैं लगातार संपर्क में हूँ, और क्या वहां पर राहत और बचाव का कार्य चल रहा है उस पर मेरी नजर बनी हुई है, लोगों की परेशानी कम करने के लिए जो मुमकिन कदम है वो हम इस वक्त उठा रहे हैं, उत्तराखंड के सीएम से मैं संपर्क में हूं, उत्तराखंड का हौसला आपदा को मात देगा, ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज दिन ऐसा है वो असम के दौरे पर जरूर है लेकिन जिस तरह की आपदा आप देख रहे हैं इस वक्त चमोली उत्तराखंड में, बताया जा रहा है अब तक 5 शव बरामद हो चुके हैं, कई लोगों के मिसिंग यानी गायब होने की आशंका है। आज आइए आपको पहले सुना देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। माँ गंगा के एक छोर पर है, लेकिन जो माँ गंगा का उद्गम स्थल है वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया, नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सब से निरंतर संपर्क में हूं, वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो इस पर जोर दिया जा रहा है। वहां दो एक दिन पहले ही काफी बर्फबारी भी हुई थी, मौसम काफी ठंडा है, लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य
फौज में न हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। आमार प्रियो मां बोन भाइयों बांधुरा, मेदिनीपुरेर एई पवित्र माटीते आस्ते पेरे निजे के। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में ही उत्तराखंड की का जिक्र किया, कहा एक तरफ वहां जहां गंगा समुद्रों में जाती है और दूसरी तरफ वहां जहां से गंगा की शुरुआत होती है, वहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह से वो संपर्क में है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह की आपदा का की घड़ी है ये, आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, ग्लेशियर का टूटना, एक जो जमी हुई बर्फ का हिस्सा है वो बहुत बड़ा, जब टूटता है तो अपने साथ मिट्टी का और जो कुछ उसके रास्ते में आता है वो सब बहाता हुआ ले जाता है। और इस हिमस्खलन की वजह से जो परिस्थितियां यहां पर बनी है, रास्ते में दो पाव प्रोजेक्ट्स ऋषिगंगा एनटीपीसी, वो सब बहकर बहते हुए जैसे इस पानी के बहाव में आगे बढ़ गए। लेकिन बस इतनी सी अच्छी खबर है कि बाढ़ की परिस्थिति तमाम इलाकों में नहीं बन रही है, क्योंकि अब जहां जहां पर पानी का स्तर है उसे नियंत्रित किया गया है। पानी का बहाव या कितना पानी उन जगहों पर उन नदियों में छोड़ा जाता है उन सबको कंट्रोल फौरन किया गया है ताकि बाढ़ की परिस्थिति ना बने, वरना इन नदियों के किनारों पर बसे गांवों घरों सब पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था। आपको बता दें, उत्तराखंड आपदा पर हल्दिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, उन्होंने कहा है कि इस समय आपदा का सामना कर रहा है लेकिन अपने हौसले से मात देगा। मैं गृहमंत्री उत्तराखंड के सीएम के साथ लगातार संपर्क में हूं, हर मुमकिन राहत और बचाव का कार्य इस वक्त भी चल रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर नुकसान ऐसा हुआ है जिसकी तस्वीरें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त प्रार्थनाएं उन व्यक्तियों के साथ जो सुरंग में फंसे हुए हैं। शर्मा जी, अपनी बात भी पूरी कीजिए। और ऐसी जगह पर अगर सुरंग में कोई फंसा हुआ, कई लोग तो जो बाहर थे, जो वर्कर्स, उन सब के बह जाने की आशंका और खबर भी आ रही है। बोलने में खुद को हिचकिचाहट होती है जब तक कन्फर्म नहीं, क्योंकि ये एक एक वर्कर एक परिवार का हिस्सा, उनके घर की रोजी रोटी है। जो आपदा का इस वक्त स्तर दिख रहा है उसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे शर्मा जी? अंजना जी, आप जानती हैं कि आज भारतवर्ष में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और माननीय प्रधानमंत्री उसके चेयरपर्सन भी हैं, और उसके नाते उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। ये भी मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि आज की तारीख में हमारे पास जो है NDRF है, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, और उत्तराखंड 2013 के बाद जब वहाँ पर त्रासदी आई थी उसके बाद से उनकी पूर्व तैयारी जो है वो बहुत बढ़ी है, और उनके पास अपनी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स भी है। तो इसलिए जो रेस्क्यू और सर्च एंड रेस्क्यू का जो काम है वो, उसमें हमारी जो ये फोर्सेस हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट हैं। वो किसी भी देश से के मुकाबले पे वो फ्लड में और इस तरह के सिनेरियो में एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग लिए हुए हैं, और साथ साथ आर्मी का सहयोग मिलता है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि सर्च एंड रेस्क्यू में कोई परेशानी नहीं आएगी। जो 2013 के बाद में उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक बहुत ही सक्षम होकर के उभरी है, मैं समझता हूँ कि उसका फायदा स्टेट को होगा और क्षति जो है वो कम से कम होगी। अभी हमें पता नहीं कि कितना नुकसान इसमें जान माल का हो रहा है, लेकिन ये तो पता ही है कि जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं वो डेफिनेटली उनको बहुत क्षति होगी, और हम ये आशा करते हैं कि सर्च एंड रेस्क्यू में बहुत लोगों को बचा लिया जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी जैसे आप भी बता रही थी, NDRF एक्शन में है, जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है वो एक्शन में है, आर्मी की टुकड़ियाँ हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम ये विश करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उत्तराखंड में जो ये आज जो
त्रासदी है उसमें कम से कम नुकसान हो, और इसके बाद में हम लोगों को एक सोचना पड़ेगा पूरे हिमालय में। मैं सिक्किम काम करता हूँ, वहाँ पे भी जो है 2-3 साल पहले लोनाक लेक में बहुत इसका वॉल्यूम बढ़ गया था जी। लेकिन सिक्किम सरकार ने उसको जो है बहुत एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए अपनी ही तरीके से, और एशिया का वो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें पानी को जो है उन्होंने साइफनिंग करके और तीस्ता नदी में डाल दिया था, उससे बहुत बड़ी त्रासदी होते होते बची थी। हाँ। तो इसी प्रकार से मैं कहता हूँ कि बहुत सारी लेक्स हैं जो हिमालय में जो अपने जिनका वॉल्यूम जो है कई कई गुना बढ़ गया है, तो हमें उनके बारे में सोचना होगा और इसकी भी तैयारी। ये भी एक इस तरह की डिजास्टर है जिसके बारे में अभी तक हम उतना नहीं सोच रहे थे जितना सोचना चाहिए। जलवायु परिवर्तन की वजह से ये लेक्स बढ़ती जा रही हैं, जितने हमारे ग्लेशियर्स हैं वो रिसीड कर रहे हैं, ग्लेशियर लेक्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है जी। और ये चीज आप जो देख रही हैं उत्तराखंड में, ये बहुत सारी स्टेट जितनी भी हिमालयन स्टेट्स हैं वहाँ कहीं पे भी इस तरह की आपदा हो सकती है। इसलिए और इसरो जो है बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है, स्पेस रिसर्च हमारे कंट्री में हम लोगों को इतनी सहायता करती है, वो बताती है कि हमारे कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं जो बढ़ रहे हैं, कौन कौन सी ग्लेशियर लेक हैं जो वॉल्यूम में बढ़ गई हैं। तो मेरे ख्याल से उस साइंटिफिक डेटा का हमको फायदा उठाना चाहिए और उसको हम पहले ही इस तरह की आपदा ना आए उसका बचाव के लिए हमें तैयारी करनी होगी, और हम कर रहे हैं। लेकिन और भी ज़्यादा मेरे ख्याल से उत्तराखंड ही नहीं बल्कि जितनी भी हिमालयन स्टेट्स हैं उन सभी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो जो है ग्लोफ जिसे हम कहते हैं ये एक आम चीज हो जाएगी जलवायु परिवर्तन की वजह से। तो इसका हमको ध्यान करना है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसके बारे में काफी कुछ सोच रही है। मैं सिक्किम में वाइस चेयरमैन हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट का, हम लोगों ने इसको प्रायोरिटी पे लिया हुआ है। बिल्कुल, और प्रायोरिटी पर देश में होना भी चाहिए इससे पहले, इसीलिए हम इसे उत्तराखंड में आपदा पार्ट टू कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब केदारनाथ में इसी तरह से बादल फटने की वजह से और लगातार हो रही बारिश के बीच ऐसी तबाही मची थी कि आज भर रूह कांप जाती है आज भी उसको याद करके। ऐसे में जैसे ही आज इस हिमस्खलन की खबर आई, ये पूरे इलाके में हालांकि जानकारी फैली, और ये अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि कई ऐसे इलाके जहां पर खतरा था कि नदियों में बाढ़ आ सकती है वहां से लोग सुरक्षित जगहों पर आगे बढ़े। कई जगहों पर जहां जहां पर पानी रोका जाना था नदियों में वहां पर बांध में उसे रोका गया, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो आगे इतनी तेजी से बढ़ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बताती हैं कैसे दो पावर प्रोजेक्ट्स, एक ऋषि गंगा जो ऊपर में है और वो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा भारी तबाही वहां पर हुई। देखिए जिन पोल्स में सब कुछ वहां पर कनेक्टेड था वो सब ढह गई हैं। तबाही की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं, पहले हिमस्खलन का हिस्सा वो जिसे अंग्रेजी में एवलांच कहा जाता है, ये देखिए किस रफ्तार से, और ये बहुत दूर के कैमरे से है तो आपको स्लो लग रहा है, पास जाकर इसका बहाव बहुत ज्यादा उस वक्त था, बहुत तेज रफ्तार से ये आप देख रहे हैं आगे बहते हुए। अच्छा, दूसरा जो था रैनी गांव के पास एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट, वो भी प्रभावित हुआ है। बताया जा रहा है टनल में 12 से 15 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उनको बचाने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन जब आप स्तर देखिए, ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में जब भी इस तरह की आपदा आती है रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल होता है। ये आप देख रहे हैं क्रेन से कैसे, ये टनल है, ये टनल की तस्वीर आप देख रहे हैं जिस सुरंग की बात हो रही है, ये देखिए। और मलबा घुस जाए एक बार उसके बाद पहले मलबे को निकालना, और कोशिश ये कि जो व्यक्ति अंदर फंसा है वो किसी तरीके से प्रभावित ना हो। टनल के धंसने की आशंका और डर के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशंस, राहत कार्य बहुत बड़ी चुनौती होते हैं पहाड़ी इलाकों में, और ये सब कुछ इस वक्त किया जा रहा है। आईटीबीपी, सेना की टुकड़ियां, एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें सब वहां पर लगातार लगे हुए हैं और जूझ रहे हैं। इस वक्त हिंडन एयरबेस से भी कई टीमें रवाना कर दी गई हैं, और ये पूरी तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये तस्वीरें हम जैन साहब दिखा रहे हैं एक बार, ये देखिए, ये पूरा अनिल गोयल साहब, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे वो एक बार हिमस्खलन हुआ और उसके बाद से ये देखिए तेज बहाव के साथ, और बहुत दूर के शॉट्स हैं ये, फिर भी वो जैसे एक जबरदस्त तेजी बहाव में आती है, पूरा का पूरा इलाका जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा हो। इस तरह के हिमस्खलन में जो कुछ उसके रास्ते में आता है उस सबको
साथ लेता हुआ आगे बढ़ जाता है और फिर जब वो उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी होती है, मलबा हर जगहों पर छोड़ता हुआ, भारी तबाही, ये पूरा प्रोसेस अगर आप समझाएं, अगर आपने इस तरह का कुछ फेस किया है और जो मुश्किलें आती हैं सेना के लिए ऐसी जगहों पर राहत कार्य करने में। गोयल साहब, अंजना जी, सबसे बड़ी मुश्किल इस समय जो आती है कि हमें कुछ हैवी स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है बचाव कार्य करने के लिए। दूसरी मुसीबत आती है उस समय कम्युनिकेशन की, हमें अपने बेस से कम्युनिकेट करने में, क्योंकि सभी पावर लाइंस डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं या कम्युनिकेशन लाइंस ब्रेक हो चुकी होती हैं। तीसरी मुसीबत आती है जो हम हमारे साथी लोग घायल हो गए होते हैं उन्हें फर्स्ट एड या उचित मेडिकल उपचार उपलब्ध कराना। तो ऐसी कई मुश्किलें हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है सामने आती जाती हैं, परंतु सबसे प्रथम हमारा ये होना चाहिए कि हम एक सबसे पहले हानि का विश्लेषण करें, उसके बाद हम एक सभी जो वहाँ पे एनटीपीसी या गंगा जो पावर प्लांट में वहाँ पे मौजूद कर्मचारी हैं उनकी जान का उनकी जान बचाने का प्रयत्न करें, वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे जानकारी लें कि वहाँ पे कितने व्यक्ति वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं जिनको सहायता की आवश्यकता है। इस समय सबसे उपयुक्त हमारे लिए होगा कि हम जो इक्विपमेंट हैं वो इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से या Mi-8 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स की मदद से जो कि आराम से 10 टन वजन भी उठा सकते हैं उनको वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचाया जाए, जिससे कि राहत सामग्री भी वहाँ पहुँच सके, करेक्ट इक्विपमेंट भी वहाँ पहुँच सके, एक कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश हो सके। जैसे जैसे हमें जानकारी मिलती जाएंगी, जैसे जैसे हमारे राहत टुकड़ियाँ वहाँ पर पहुँचती जाएंगी, हम एक अच्छे और सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे। अगर हम ये सही समय पर नहीं करते हैं तो ये पूरा जो रिलीफ प्रोग्राम है वो डिले होते जाएगा। मैम, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमें करेक्ट तस्वीर हमारे सामने आए, सभी स्पेशलिस्ट एक जगह एक बड़ी खबर आ रही। गोयल साहब, मैं आपको टोक रही हूँ, चमोली हादसे में जानकारी आ रही है गृह मंत्रालय के सूत्रों से कि 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जो 12 से 15 लोगों के फंसे होने की आशंका थी, टनल से 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड हादसे पर, गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है कि टनल से 10 लोग निकाल लिए गए हैं, वही टनल जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। भारी मुसीबत की घड़ी है, संकट का पल उत्तराखंड के लिए, और उसके बीच हौसले से जो जवान डटे हुए हैं उन्होंने 10 लोगों को सुरक्षित निकाला है, इस तरह की खबर गृह मंत्रालय के सूत्रों से आ रही है। इस पर जानकारी हम आपको और भी देंगे, लेकिन पहले बताया गया था कि 15 तक लोग इसमें फंसे हो सकते हैं, लेकिन 10 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है? जितेंद्र बिल्कुल अंजना, काफी देर से इस टनल में ऑपरेशन चल रहा था जहां पर ITBP के जवान तो मौजूद ही थे इस पूरे ऑपरेशन में, वहीं दूसरी तरफ SDRF के भी जवान मौजूद थे। अभी गृह मंत्रालय के सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि 10 लोगों को जो टनल में फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला गया है। एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अब जानकारी मिल रही थी कि टनल में 16 से 17 लोग जो है वो फंसे हुए हैं, बाकी के लोगों को तलाशा जा रहा है और उनको भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और जानकारी ये भी है कि वहां पर ITBP के जो पर्वतारोही हैं वो लगातार लगे हुए हैं और वो नीचे उतर करके जो टनल का रास्ता है वहां पर जाकर के 10 लोगों को उन लोगों ने बचा लिया है। और 10 लोग जो हैं वो करीब 7 से 8 लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, उनको भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। सारी टीमें जो लगी हुई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ITBP के जवानों को तैनात किया है उस जगह पर, वहाँ वो लोग पूरी तरीके से राहत एवं बचाव काम कर रहे हैं। वहीं स्टेट गवर्नमेंट की भी टीमें लगी हुई हैं। ऐसे में एक सबसे बड़ी ये राहत की खबर बताई जा रही है कि 10 लोगों को जो बाहर निकाला गया है वो टनल में फंसे हुए थे और उनको वहां से निकालने की पूरी कोशिश कई घंटे से की जा रही थी इस जद्दोजहद के बीच में, इन 10 लोगों को अब से थोड़ी देर पहले बाहर निकाला गया है। अंजना, धन्यवाद आपका। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे जितेंद्र बहादुर सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरह से 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। लेकिन अब खबर आ रही है गृह मंत्रालय की तरफ से कि 16 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। All 16 have been rescued from tunnel। ये जानकारी सीधे
गृह मंत्रालय से आती हुई, जहां पर साफ बताया गया है कि 16 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सभी 16 लोग जो सुरंग में फंसे हुए थे, उन सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी है ये, संकट का पल है, और ऐसे में चुनौती सबसे बड़ी यही थी कि जो लोग फंसे हुए थे इस सुरंग में, उन्हें कैसे निकाला जाए। और इस वक्त यह खबर आ रही है कि 16 सभी 16 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए क्रेन के जरिए ये टनल, ये सुरंग, और ऐसी सुरंग में बहुत ज्यादा मलबा इकट्ठा हो जाना, ऐसे में 16 लोग अंदर फंसे हुए थे। आशंका ये भी होती है जिस तरह का मलबा, जिस तरह के पानी का बहाव, जिस तरह का की तबाही इन दोनों ही पावर प्रोजेक्ट्स पे मची थी, उसके मद्देनजर सुरंग में फंसे लोगों के लिए एक एक कदम आगे निकालना, आगे बढ़ना भी मुश्किल होता है। तस्वीरें धीरे धीरे आएंगी, सेना की तरफ से ये तस्वीरें दी गई थी जो हमने आपको दिखाई है। भारी तबाही के बीच इन लोगों को अब निकाल लिया गया है। एमएचए के हवाले से जानकारी आ रही है कि टनल से सभी 16 लोग निकाल लिए गए हैं। जिस सुरंग में 16 लोग फंसे हुए थे, उन सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी टीमें लगातार लगी हुई थी। और ये सुरंग की जो आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, सेना की तरफ से ये तस्वीरें दी गई हैं। बहुत ज्यादा मलबा इकट्ठा हो जाना, भारी तबाही ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स में, और पहाड़ी इलाका है, आप देखिए जब हिमस्खलन हो और इस तरह से बर्फीली, आप देख रहे हैं कैसे पूरा का पूरा ये हिस्सा जो आपको बहता हुआ दिख रहा है, मलबा जो कुछ उसके रास्ते में आता है सब कुछ बहाता हुआ आगे ले जाता है, और जब रफ्तार धीमी होती है ये सब कुछ कहीं कहीं पर अटकता है। ऐसे ही तबाही दोनों पावर प्रोजेक्ट्स में हुए, सबसे भारी तबाही ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में, और उसके बाद ये एनटीपीसी का आप देख रहे हैं, जहां पर सुरंग में अब सभी 16 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो इसी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। आपको बता दें उत्तराखंड आपदा में जो सुरंग में 16 लोग फंसे हुए थे, उन सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी चुनौती है, राहत कार्य जारी है, तस्वीरें लगातार आ रही हैं। लगातार आज तक आप तक हर खबर इस आपदा की पहुंचा रहा है, बने हुए आपके साथ, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।